अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज इतवार का दिन है और टाइम है गालिबन 8 बजने वाले हैं। यहाँ बरामदी मोड़ पे हमारे, जिसे हम मीठा बोलते हैं, जो जिगर की गर्मी के लिए और इस सीज़न का बहुत मीठा और ठंडा फल होता है, तो वो आज खाने का इरादा था। तो ये खाया नहीं जाता, ये चूसा जाता है, तो बहुत अच्छा है। ये गालिबन मैंने पिछले दो से तीन सालों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, घर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। तो आज दिल चाह रहा था कि आज बाहर से कुछ ठंडे भी मिलें और कटे हुए मिलें, तो आज दिल किया तो आज हम आगे अब यहाँ बैठे हुए हैं। ऑर्डर दिया था, ऑर्डर भी मिल गया हमें, चीज़ हमारी आ भी गई है। और कुछ आज हकीकत था हमारे रिलेटिव में, उसमें आपको पता गोश्त वगैरह होता है, ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से अक्सर दिल ख़राब होता है या भारी होता है। तो इसलिए फिर दिल चाह रहा था कि आज इसका इलाज भी किया जाए और थोड़ा सा इंजॉय भी किया जाए, तो और आपसे भी शेयर किया जाए। इसलिए मेरा प्लान था आज दोस्तों को हम बरामदी मोड़ वाली दुकान है, यहाँ पे फ्रूट शॉप है, यहाँ से ये माशाल्लाह काफ़ी पुराने हैं, गर्मियों में ये मीठे लगा लेते हैं और सर्दियों में ड्राई फ्रूट लगा लेते हैं। चले आए, आपको दिखाते हैं जो हमने ऑर्डर दिया था, हम रिसीव हो गए, दिखाते हैं अभी आपको। जी व्यूज ये अभी दे सकते हैं, ये मैंने प्लेट 100 रुपये की आती है, इसमें 6 होते हैं, ये मैंने 50 के करवाए हैं, इनमें 3 हैं। ये आप काला नमक भी देख सकते हैं, वो तो दूर से लग रहा है माशाल्लाह रस से भरा हुआ मीठा ये। ये खाली प्लेट इसमें जो हम चूस लेते हैं इसमें फेंक देते हैं, तो आए टेस्ट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत बहुत मीठा है। तो कुछ मैं आपको अपना आप भी दिखाता हूँ कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर जोकर बन जाते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांत चुभ जाते हैं। आज दिखाते हैं आपको, जब मुँह में डालते हैं तो दांत चुभ जाते हैं। माशाल्लाह रस इतना है और मीठा इतना है कि आप वल्लाह सोच नहीं सकते कि अल्लाह ने जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अजान भी हो रही है, हम अजान का जवाब भी देते हैं, साथ ये भी इस्तेमाल करते हैं और आपसे अजान के ख़त्म होने के बाद का शुक्र अदा करते हैं। अजान भी ख़त्म हो गई और हमारे मीठे भी नज़दीक है ख़त्म होने के करीब करीब है। दरअसल ये पानी के अंदर रखे होते हैं ठंडे करने के लिए, पानी में बर्फ़ फेंक देते हैं, उसमें ये काफ़ी मकदार में फेंक देते हैं, ये साथ साथ निकाल के जितने जिसने इस्तेमाल करने हैं उतने काट के दे देते हैं। ये काफ़ी पुराने दुकान है, मुझे तो गालिबन 5वां साल में यहाँ से अक्सर आती है, मैं मीठा चूसता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इसका फ़ायदा है, इस मौसम में बुखार हो जाता है, इस मौसम में अक्सर हम गर्मी के मौसम में गर्म फल खाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिगर पर असर होता है, तो ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये उसके खिलाफ ऐलान जंग कर सके, जंग करते हैं बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं होने देते। जी व्यूज आप ये दे सकते हैं, मैं तो मिट काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ने जायका दिया है, फौरिक हो गया हूँ कुछ। ये माशाल्लाह ये जूस की मशीन है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये मीठे का जूस ही पीने के लिए आते हैं, ये जूस के लिए इन्होंने कार्नर बनाया हुआ है। तो मैंने गालिबन 200 के मैंने जूस लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कुछ उन्होंने काट के रखे हुए हैं,
ताकि कोई जल्दी आए तो उसको जल्द जूस बना के दे दें। ये देखें माशाल्लाह, ये बर्फ़ रखी हुई है, पानी के अंदर ठंडा पानी भी है, कुछ पानी गर्म होता है, बर्फ़ का पानी पिघलता रहता है और मीठे को ठंडा करते रहते हैं ये भाई। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, 4 से 5 साल से ये, मैं तो मुझे 4 से 5 साल हो गए मैं यहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मीठे और काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी होते हैं और मज़ा भी आता है। सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट का सीज़न लगा लेते हैं और गर्मियों में ये मीठे माशाल्लाह। माशाल्लाह आप इस वक्त ये नॉर्मल है, ज़्यादातर ये ठंडे हैं जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। जो 100 रुपये की प्लेट देते हैं जिसमें 6 पीसेस होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ माशाल्लाह पहले स्टॉक किया होता है इन्होंने, जो जो यहाँ से कम होते हैं फिर पीछे से ला के रखते जाते हैं। ये सर्दियों में माशाल्लाह ये देखें पिस्ता ड्राई फ्रूट, ये बरामदी बरामदी मोड़ के ऊपर है, ये आप देख रहे होंगे, ये गोहतपुर को रास्ता जा रहा है सामने वाला, और ये रोड हमारा कैंट की तरफ और लारेडी की तरफ जा रहा है। इनके आमने सामने भी माशाल्लाह ये मिल्क शेक वाले फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं, लेकिन इन भाइयों के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस है यहाँ पे, कि इनके जो मीठे हैं ड्राई फ्रूट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ठंडे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।